प्रदूषण पे चर्चा इसलिए हो रही है कि जिस राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो इतनी प्रदूषित हो गई है कि आज का भी इंडेक्स आप देखेंगे एयर क्वालिटी का तो 370 है, जो हानिकारक है। PM 2.5 330, PM 10 359। किंतु मंत्री जी ने जो बातें रखी, केंद्र सरकार ने जो किया होगा, किंतु दिल्ली सरकार जिस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठी है, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। दिल्ली में, दिल्ली 112 से 118 स्थान पे पहुंच गई। गंगाराम के हॉस्पिटल की रिसर्च कहती है लंग कैंसर पेशेंट की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि अच्छी हवा के सिर्फ 4 दिन थे, सिर्फ 4 दिन 10,000 से लोग ज्यादा 2017 में श्वास की बीमारी से मरे हैं। लोग अभी घबरा क्यों गए? अभी से क्यों घबरा गए? आपका मौका आएगा, बोलेंगे। ये आदमी से भाग रहे हैं। मुद्दा हम सबका मुद्दा, सांस लेना आज 25 सिगरेट के बराबर हो गए हैं। नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें कितनी जहरीली सांस आप भर रहे हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। अध्यक्ष जी, 5 साल में दिल्ली की जो देन है वो मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली में मास्क दिए हैं जी, 50 लाख मास्क बांट के भ्रष्टाचार कर दिया। एक आदमी मास्क लगाए हुए मिलेगा नहीं, पर दिल्ली को मास्क पे डाल दिया है। दूसरा अध्यक्ष जी, ये हर आदमी को प्रदूषण, जल प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आज बोतल का पानी पीना पड़ रहा है, माननीय मंत्री जी ने कहा 56,000 मशीनें पराली काटने के लिए अलग अलग राज्यों को दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय मंत्री जी जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वो डेटा कुछ अलग कहता है। इस पे आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कृपया आप बताएं कि आप ये कह रहे हैं 9,000 टोटल 20,000 मशीनें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी गई, आज आप रिपोर्ट में कह रहे हैं 56,000 मशीनें दी गई, तो मान्यवर 36,000 मशीनें कहा गई। पराली काटने की किसानों की मशीनें कहां चली गई मान्यवर? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। केजरीवाल को गालियां देके अगर प्रदूषण कम कर सकते हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, दिन रात केजरीवाल जी को गालियां दीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने दूसरे सदन में केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मजाक उड़ाया। मैं प्रार्थना करता हूं भाजपा के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ईश्वर इनको लंबी उम्र दे। आप केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, ऑड इवेंट के विरोध में माननीय सदस्य निकल जाते हैं। ये सांसद है मान्यवर जो ऑड इवेंट का विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली में पटाखे नहीं दगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, आप पटाखे दगाते हैं, दिल्ली वालों को प्रदूषण में डालने का काम करते हैं। शर्म आती है मान्यवर, इस मानसिकता से अगर आप प्रदूषण से लड़ेंगे तो दिल्ली के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।